हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो भाई आज हम फिर से खेलने वाले हैं भाई अपना माइनक्राफ्ट। तो भाई पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि भाई मैंने एक घर बनाया था, लेकिन भाई वो जो घर है भाई बिल्कुल भी अच्छा, मतलब इतना अच्छा नहीं था। तो भाई अब ये वाला जो मेरा घर है, ये फाइनल घर है, ये मैंने बाद में मतलब ऑफलाइन बनाया। तो भाई ये मैं आपको अभी अंदर से दिखा देता हूँ कैसा मेरा घर है। ये बहुत ही ख़तरनाक घर है। तो भाई चारों तरफ मैंने इसके गिलास इसलिए लगाए हैं क्योंकि भाई जो भाई दिन की रोशनी है तो यहाँ घर के अंदर आती रहे, वरना यहाँ तो मैं टॉर्च से भरना था, लेकिन फिर ये अच्छा ना लगता बिल्कुल भी। तो भाई अभी हमने घर तो बना लिया, लेकिन अभी हमें अपने घर के पीछे बैक साइड में भाई अपना फार्म भी बनाना है, जिसमें हम भाई खेती करेंगे शुगर केन फार्म और भाई और भी वीट फार्म। तो भाई उसके लिए हमें सबसे पहले शुगर केन के फार्म के लिए हमें सबसे पहले चाहिए भाई सैंड। तो भाई अभी हम जो है सैंड लेने चलते हैं अपने, मतलब डेजर्ट तो बहुत ही बड़ा हमारा जो बात है, अनलिमिटेड भाई सैंड मिल सके यहाँ से हमें। तो भाई मैं अभी यहाँ जल्दी सैंड इकट्ठी कर लूँ, इसलिए भाई मैंने एक आयरन का शवल बनाया, इससे भाई और जल्दी देख ले भाई कितनी फास्ट स्पीड से यहाँ में सैंड मिल रही। जल्दी से लेकर अपने कासल कासल कह रहा मैंशन में चलते हैं। भाई यहाँ से हमें मतलब बहुत सारी सैंड लेके जानी पड़ेगी क्योंकि भाई हमें सैंड की दीवार भी बनानी है जो कि सैंड स्टोन की बोले। तो गाइस अभी हम अपनी बहुत सारी सैंड कलेक्ट करके आ चुके हैं भाई अपना घर। तो भाई अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मेरे पास भाई कितनी बहुत सारी सैंड इकट्ठी करके लाया मैं वहाँ से। पूरा का पूरा रेगिस्तान मैंने खाली कर दिया। तो भाई ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी सैंड कितनी है। सबसे पहले मैं सैंड स्टोन बनाता हूँ, उससे फिर मैं अपनी सैंड स्टोन की वॉल बनाऊँगा। तो भाई सैंड स्टोन बनाने के लिए हमें अपनी सैंड को कुछ ऐसे रखना पड़ेगा जिससे हमें भाई सैंड स्टोन मिल जाएगा। और भाई सैंड स्टोन बनाने के बाद में बनाऊँगा सैंड स्टोन वॉल, आपको साइड में दिख रही होगी, मुझे वही वॉल बनानी है। उससे मैं भाई अपने जो बाउंड्री है हमारे फार्म की भाई वो क्रिएट करूँगा उस सैंड स्टोन वॉल से। तो जल्दी से अपने जितने हमारे सैंड स्टोन बनते हैं मैं सब बना लेता हूँ। तो भाई कुल हमारे 64 सैंड स्टोन बन चुके हैं। तो भाई इन सब हम सैंड स्टोन वॉल बनाएंगे, देखते हैं भाई सैंड स्टोन वॉल इनसे कितनी बनती है। तो भाई 60 सैंड स्टोन वॉल इनसे बन चुके हैं हमारी। तो चलो अभी इन्हें बाहर लगाते हैं अपने फार्म के पास जाकर, और भाई फिर अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। भाई मैं अपना फार्म कुछ अपने घर के इस साइड से, मतलब पूरा पीछे बनाऊंगा, लेकिन इस साइड से थोड़ा सा वो कर दूंगा, उसे थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर दूंगा एक्सटेंड। तो पहले मैं एक पॉइंट देख लूँ जहाँ पर भाई मिडल पॉइंट होगा, जहाँ तक मुझे उसकी बाउंड्री रखनी है। तो ये पॉइंट एकदम सही है, एक मिनट थोड़ा सा पीछे जाके देख लूँ मैं एक बार। हाँ भाई एक भाई कुल मुझे सिर्फ 5 ब्लॉक करने हैं। हाँ भाई 5 ब्लॉक पर हमारी सैंड वॉल आ जाएगी क्योंकि भाई इसी साइड जितने ये 4 ब्लॉक हैं, साइड हमारा शुगर केन फार्म होगा और फिर घर के बिल्कुल पीछे की तरफ हमारा होगा भाई वीट पोटैटो और भाई कैरेट और जी भी जितनी सब्जियां हैं पूरी मंडी लगा दूंगा मैंने घर के पीछे सब्जी होगी। तो जल्दी से अपने भाई ये जो है हमारा ये अपना कंप्लीट करते हैं सैंड स्टोन वॉल। तो भाई ये वाली जो वॉल है हमारी कंप्लीट हो गई, अब उसे उधर से बस 4 ब्लॉक और थोड़ा सा एक्सटेंड करना। यहाँ से भाई मैं अभी एक ब्लॉक छोड़ता हूँ क्योंकि भाई आने जाने का वो चाहिए, बाद में बंद कर दूंगा फिर, वरना भाई क्योंकि फिर मुझे पूरा घर घूम के आना पड़ेगा अपना। तो भाई अभी इधर की साइड भी हमें ऐसे ही करना है बिल्कुल जैसे उधर किया, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही बाउंड्री बनानी है एक। हाँ भाई यहीं से हमें मतलब करना है, गाय आ गए हमारे बीच में चली जाए यहाँ से, वरना ऐसा रैपटा मारूंगा खिंचा के घास खाने के लायक नहीं रहनी। तो गाइस अभी जो है सुबह हो चुकी है और रात हो गई थी इसलिए मैं सोने चला गया था, अभी सुबह हो चुकी है। तो हमें अपना काम पूरा कंप्लीट करना है जो सैंड स्टोन वॉल वाला है, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो भाई जो है ये हमारी वॉल कंप्लीट होने वाली है और लगभग बस हो गई कंप्लीट। तो भाई अभी मुझे बीच में ये जो वॉल है
इधर जो रास्ता खुला है उधर एक यहीं पर एक गेट भी लगाना है, जो भाई फेंस वाला गेट होता है वाला गेट लगाना है यहाँ पर। एक बॉल भाई मैं इधर लगा दूँ, और अब भाई इन बॉल के ऊपर मैं फेंस लगाऊँ तो भाई चलो फेंस बनाता हूँ पहले और फिर इनके ऊपर फेंस लगाऊँ, क्या उनसे जो भाई वॉल के जो लुक है और भाई और भी अच्छे आएंगे। और भाई फैंस बनाने की रेसिपी मुझे याद नहीं है, कुछ नहीं याद है मुझे, तो ऐसे उसके कुछ रेसिपी चलो देखते हैं भाई, जितने बनते उतने ही बना लेंगे, वुड की तो कोई कमी नहीं है अपने पास। तो ये फैंस बना लिया, अभी हमें लगाने भी फैंस इनके ऊपर। ओ भाई गलत जगह फैंस लग गया गलती से। हाँ भाई लग क्यों नहीं रहा है इसके ऊपर फैंस, अच्छा ऐसा लगेगा। तो भाई जल्दी से वाला काम भी कंप्लीट करते हैं अपना। तो भाई एक साइड का तो ये जो फेंस का काम है कंप्लीट हो गया, भाई दूसरी साइड भी फेंस लगाने हैं अभी अभी यहाँ से स्टार्ट करूँ। भाई गलत जगह क्यों लग जावे, तो ये वाली लेन भी हमें कंप्लीट करनी है, लगभग हो ही गई अब वाली भी कंप्लीट। चलो भाई कंप्लीट हो गए, एक मिनट शायद पीछे का भाई रह गया कुछ, नहीं रहा नहीं, इसको घास को यहाँ से हटाता हूँ। और भाई अभी हमें हो भी बनाना है और भाई यहाँ के लिए गेट भी बनाना है, तो गाइस गेट तो मैंने बना लिया लेकिन भाई अभी हो बनाना बाकी है, क्योंकि भाई हो के बिना तो हम खेती कर ही नहीं सकते। हो भी अभी हम बना लेते हैं अपना, चलो भाई हो भी बन गया। और भाई कोबल स्टोन की अब कोई कमी नहीं भाई, वहाँ पिछले पहाड़ में बहुत कोबल स्टोन की भी कमी पड़ी थी लेकिन अब नहीं, अब 68 कोबल स्टोन कर रखे मैंने इकट्ठे। और भाई 2 बकेट बना लेता हूँ क्योंकि भाई वाटर मुझे रिवर में से उठाकर भाई वाटर का भी यहाँ काम है बहुत बहुत पानी का, इसलिए 2 बकेट बना लूँ। और चलो भाई अभी चलते हैं वहाँ पर, सबसे पहले भाई मैं यहाँ पर एक गेट लगा दूँ, ये रहा भाई गेट लग गया, लेकिन मैं अभी इसे तोड़ देता हूँ क्योंकि भाई अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगा वरना भाई आने जाने में भी दिक्कत हो सकेगी हमें। तो भाई अभी हमें यहाँ पर भाई 3 लेन भाई मतलब डर्ट यहाँ से उखाड़नी है, 4 लाइन हमें बिना डर्ट की रखनी है यहाँ पे, मतलब भाई मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे यहाँ से मैं डर्ट हटाना शुरू करूँ। तो ये तो भाई आपको पता ही हो कि भाई फार्मिंग के लिए भाई क्या क्या करना पड़े, इसमें कहीं से खोदना पड़े, कहीं से कुछ करना पड़े, कहीं से कुछ करना पड़े। तो लो गाइस अब हमारी पूरी जो है लैन भाई कंप्लीट हो चुकी है, और भाई यहाँ इसके बीच में हमें सैंड लगानी है क्योंकि भाई सैंड के अंदर भाई जो शुगर केन होता है वो सैंड के अंदर और भी अच्छे से उगता है, वरना उग तो डर्ट के अंदर भी उग तो जाता है वो डर्ट के अंदर, लेकिन भाई सैंड के अंदर वो और जल्दी से ग्रो करे। मतलब कि आपने देखा हो कहीं आस पास रिवर के पास, माइनक्राफ्ट में रिवर के पास भाई शुगर केन आपको जब भी मिला कोई रिवर के किनारे पे ही मिला, कोई यहाँ वहाँ यूँ ही नहीं लगा मिलना के गड्ढे गुड्ढे में पड़ा हुआ मिल गया। सैंड पे हमारी लग गई,
और गाइस आप लोग भाई मैं बताना कि भाई आपको ये जो भाई माइनक्राफ्ट के एपिसोड्स हैं भाई ये अच्छे भी लग रहे हैं या फिर नहीं, वरना अगर नहीं अच्छे लगे तो भाई मैं कुछ और सोचूं। वैसे तो भाई अभी ये 2-3 एपिसोड शुरू किए जो हैं भाई वो तो ऐसे ही रहें, क्योंकि भाई इसमें तो सारी हमें बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी, लेकिन अभी जो भाई आगे आने वाले एपिसोड हैं उसमें भाई और भी खतरनाक खतरनाक चीज़ें हमें करनी भाई, जैसे भाई आयरन फार्म में बनाना अपना और भाई विलेजर्स भी यहाँ पर लाने और कहीं कहीं जगह माइनिंग करने हैं भाई डायमंड्स। हाँ भाई मेन चीज़ डायमंड्स हमें अभी ढूंढने जाने हैं केव में, तो भाई उनके लिए और ख़तरनाक खतरनाक एपिसोड में लाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं यहाँ पर आया भाई पानी इकट्ठा करने, लेकिन पानी के साथ साथ ये देखो भाई मैं इसी की बात कर रहा था, जो भाई ये शुगर केन है आपको हमेशा भाई नदी के किनारे पर ही दिखेंगे लगे हुए, तो भाई अभी मैं यहाँ से बस शुगर केन भी ले के ही चलूँ, क्योंकि भाई हमें अपने फार्म में भी लगाने शुगर केन। फर्स्ट तो भाई यहाँ पर ज़्यादा ऐसे शुगर केन है इसलिए इन्हें तोड़ लूँ। तो भाई 3 शुगर केन मतलब 3 हमें वहाँ से मिल गए भाई, उन 3 पूरे पूरे शुगर केन से हमें 12 मिल गए, मतलब भाई एक शुगर केन में कुल 3 शुगर केन, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल, लेकिन बस समझ लो बिल्कुल। तो भाई पानी भी अभी मैंने भर लिया, और भाई पानी का भी हमें क्या काम है वो भी आपको पता ही होगा, क्योंकि आप इतने बड़े कोई वो तो होंगे नहीं, मतलब का आपको बिल्कुल पता ही ना हो माइनक्राफ्ट के बारे में, मतलब इतना तो सबको पता होगा कि भाई यहाँ पर साइड में जो है भाई पानी में डालना पड़े है, वैसे ही नहीं यहाँ से कोई वो नहीं चलती कि बस खाली बिना पानी के खेती कर लो। भाई एक लाइन तो मतलब 2 बाल्टियों से भाई सिर्फ एक लाइन पूरी है अभी हमें, कितनी लाइन ने, और भाई इधर की तरफ भी हमें वीट का फार्म बनाना अपना। तो भाई इधर के लिए भी भाई मैं बकेट लेके आ गया, और भाई एनिमल एनिमल फार्म भी भाई मैं बनाने की इस वाली वीडियो कुछ कहूँगा, लेकिन भाई मुझे लगता नहीं कि भाई इस वाली वीडियो एनिमल फार्म बन सकेगा, क्योंकि भाई वीडियो फिर ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए भाई इस वाली वीडियो में सिर्फ आपको वैसे वाली फार्मिंग के बारे में बताऊँगा जो मतलब जो खेती हो, अनाज की खेती हो, गन्ने की खेती हो, ऐसी ऐसी खेती। एनिमल की फार्मिंग भाई हम अगले पार्ट में देखेंगे, और भाई अगले पार्ट में और भी हम कहीं एपिसोड में घूमने चलेंगे, कहीं दुबई दबई घूमने चलेंगे, प्लेन की टिकट मैं करा दूंगा अपने अपने, वो भेज दो मेरे पास पासपोर्ट। अभी भाई मैं शुगर केन लगा रहा है क्योंकि बस लगाना पड़े, और ये बत्तख ऊपर से मेरे नीचे फार्म के अंदर किस तरह आ गई, ऑब्वियस सी बात है कूद गई आई होगी। हाँ भाई इसी साइड में मैं अपना वीट का जो फार्म है वो भी हमें इसी साइड बनाना। तो भाई अभी जो है मतलब मैंने अपना वीट का जो फार्म है भाई मतलब जो खुदाई का काम है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब अभी दिखाने बैठता तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा ऊपर की हो जाती, क्योंकि भाई इसमें बहुत टाइम लगा है बनाने में। अब भाई मैं इसमें सीधा पानी डाल रहा यहाँ ला के, तो और ये रहा हमारा पानी, इसको इसके अंदर डाल लो, मतलब दो दो के दो दो का गैप करके मैंने बीच में पानी डाला, क्योंकि भाई एक में वीट लगेगा, एक में कैरेट लगेगा, फिर एक में मतलब आलू लगेंगे, एक में बीट रूट लगेगा, बहुत सारी पूरी सब्जी मंडी बना दूंगा, टेंशन ना लो कोई भी। ओ भाई यो क्या लगा मेरे को, बहुत तेज लगा, किन्ने मारा। ओ भाई साहब पता नहीं क्या था पानी, बहुत तेज मारा। तो भाई इधर भी हम अभी पानी डाल देते हैं हम अपना, और भाई मतलब एक लाइन में 2 बाल्टी पानी तो डालना ही डालना, वरना ये कंप्लीट नहीं होनी बिल्कुल भी।
मैं भाई कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से पानी उठाओ, लेकिन भाई ये मना कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, चीटिंग नहीं चलनी गेम में बिल्कुल ही। वहाँ जाओ 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में, वहीं से पानी भर के लाओ। भाई अब तो मैं 2 बाल्टियाँ भी कम लग रही हैं पानी के। तो गाइस आखिरकार हमने सब में पानी डाल ही दिया और रात हो गई, हमें पूरा दिन काम करा, आज मैंने बहुत थक गया, आराम से सोऊंगा। और भाई मैं शुगर केन भी भाई उगने स्टार्ट हो गए अब भाई थोड़े थोड़े। तो आज अगला दिन सुहाना दिन, मस्ताना दिन, दीवाना दिन। अभी भाई हमने अपनी उसमें जो खेत में मतलब पानी तो डाल दिया, लेकिन अभी मेन चीज़ बाकी है जो भाई होस है। हो जो हमने बनाया था इसी के लिए बनाया था, जो जो अपनी डर्ट है ना उसको हमें होस से मिट्टी में कन्वर्ट करना है, ये देखो ऐसे। फिर भाई इसी के ऊपर जो भाई हमारी वीट है वो उगेगी, वरना नहीं उगनी। तो जल्दी से इसे भी मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से। ये वाला काम भाई ज़्यादा देर का नहीं है, तो बस एक बार अपना क्रॉस शेयर यहाँ पे रख लो और बस दबाते चले जाओ सीधा, ये देखो ऐसे। लेकिन ये हो जाए भाई स्टोन का हो बनाया मैंने, मतलब अगर इसके ऊपर इस वाली मीटर में एक बार भी कूद दूंगा ना तो ख़राब हो जाएगी भाई, मुझे फिर से दोबारा होश से ऐसे ही करनी पड़ेगी। मतलब भाई आपका जितना खतरनाक होएगा आप उतना ही मिट्टी के ऊपर कूद दो, ख़राब नहीं। जैसे आपने भाई डायमंड का हो बनाया तो भाई वो जल्दी से ख़राब नहीं, वो भाई नेदर नाइट का बना दिया फिर तो बस बात ही क्या है ज़िंदगी में। देखो ये हमारी जो मिट्टी वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ब्राउन सी होने लग गई। अभी जो है हमारा ये भी भाई कंप्लीट हो गया, तो अब बस इसमें क्या है, इसमें बस वीट लगाने रह गए और भाई पोटैटो और भाई कैरेट मतलब ये लगाने रह गए, बाकी सारा हमारा काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ से अब अपने यहाँ पर एक गेट भी लगा दूँ, वो भाई गलती से गलत जगह लग गया गेट। गेट यहाँ लगेगा। तो गाइस अभी जो हमारा फार्म कंप्लीट नहीं है भाई, कंप्लीट होने बस इसे थोड़ा ही वो है, लेकिन बस मैं जो अगली चीज़ है बस इसमें वीट लगाना है वो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बराबर बेल आइकन भी उसको प्रेस कर दो, लेटेस्ट गेमिंग अपडेट सबसे पहले पाने के। मैं आप चलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।